The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. क्या होता है एक्सरे, एक MRI, एक सीटी स्कैन और इनमें डिफरेंस? ये बेसिकली रेडियोलॉजी में आते हैं. एक अलग स्पेशलिटी है मेडिसिन पे, मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड में. और रेडियोलॉजी में हम इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे हम एक फोटोग्राफ खींच सकते हैं आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, और उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं बीमारियों को. जैसे कि ये चीज़ सही नहीं दिख रही, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, ये ऐसी दिख रही है, तो इसका कारण मोस्टली ये होता है. सालों से डिवाइस की गई इस टेक्नोलॉजी को रेडियोलॉजी कहा जाता है, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, राइट? और डायग्नोस करके ही फिर पता चलता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, राइट? सो रेडियोलॉजी को भी डिवाइड किया गया, रेडियोलॉजी को भी दो तरीके में डिवाइड किया गया है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और एक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. पसंद आए टॉपिक, पसंद आए बातचीत, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा. सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वो होती हैं जो लोग ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरीज करते हैं, नए प्रोसीजर्स करते हैं रेडियोलॉजी में, और डायग्नोस्टिक जो लोग सिर्फ सीटी स्कैन, MRI, इनकी रिपोर्ट्स असेस करते हैं और टेस्ट करते हैं. डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हमारे पास होते हैं एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, और दोनों ही चीज़ों में यूज़ होते हैं. डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके अंदर झांक के देख सकते हैं इन टेस्टों के मदद से, और इस टेस्टों के मदद से वो देख सके बता सकते हैं कि क्या बीमारी है क्या नहीं. तो आपके सिम्टम के बेसिस पे उसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ हो सकता है, आपकी बीमारी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ हो सकता है कि भाई आपकी बीमारी बढ़ रही है, कम हो रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली, और बीमारियों को स्क्रीन करने के लिए यूज़ हो सकता है. आपको सिम्टम है नहीं है, बीमारी है नहीं है, फिर भी स्क्रीन करें. जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग में मेमोग्राफी होती है, जो एक्सरे होता है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, तो मेमोग्राफी के लिए, कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग होती है. तो सबसे कॉमन टाइप के जो रेडियोलॉजी टेस्ट होते हैं, सबसे कॉमन तो एक्सरे है, फिर आता है सीटी स्कैन. सीटी स्कैन को कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी कहते हैं, सीटी स्कैन, जिसे कैट स्कैन भी कहा जाता है, यह कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहा जाता है. साथ ही एक होता है MRI, MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस से हम सॉफ्ट टिश्यूज देख सकते हैं बॉडी के, वेन्स, आर्टरीज देख सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं हम लिटरली. सो MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज वेरी गुड. फिर हमने ऑलरेडी बताया मेमोग्राफी, सीटी जो आपके ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, और साथ ही होती है फ्लोरोस्कोपी. फ्लोरोस्कोपी कंटिन्यूस एक्सरे होता है सीटी स्कैन जैसे, जिसमें हम अंदर के ऑर्गन्स को मूव होते देख सकते हैं, जिससे अगर मान लो अंदर हम कहीं तार डाल रहे हैं तो तार कहाँ जा रही है हम उसे एसेस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा रही है, फ्लोरोस्कोपी कहते हैं, राइट? और हड्डी सही से जुड़ी कि नहीं जुड़ी है उसको देख सकते हैं फ्लोरोस्कोपी में, मान लो हड्डी के जो बोन्स हैं उसको जोड़ने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है. फिर एक होता है पेट स्कैन, जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. पॉजिट्रॉन इमिशन पेट स्कैन, जिसे पेट इमेजिंग, पेट स्कैन, पेट सीटी भी कहा जाता है, ये बेसिकली पॉजिट्रॉन इमेज यानी उसके इंजेक्शन को सीटी स्कैन के साथ जोड़ के बनाई गई टेक्नोलॉजी है. और लास्ट में आता है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड भी एक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम इनके बारे में बातचीत करेंगे कि ये सब कैसे इस्तेमाल होती हैं और इसका आपको क्या नॉलेज होना चाहिए. पर थोड़ा सा आइडिया आपको इनका भी होना चाहिए जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का मतलब है कि इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके, सीटी, अल्ट्रासाउंड, MRI, फ्लोरोस्कोपी को इस्तेमाल करके हम, क्योंकि वो हमें गाइड करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, सही है गलत है. मान लीजिए हम इंजेक्शन लगा रहे हैं और सुई नस में गई कि नहीं गई हमें नहीं पता, नस से बाहर तो नहीं निकल गई, तो ये सारे टेस्ट फ्लोरोस्कोपी हमें बता सकती है कि वो नस में ही है या नस से बाहर है. ये तो छोटी सी सुई है. मान लीजिए पूरा का पूरा ऑपरेशन करना हो, आपके दिमाग के अंदर कहीं पर कोई एन्यूरिज्म हो
और उस एनोरिज्म को हम अंदर से ही बंद करना चाहें, आपके हार्ट के अंदर कोई क्लॉट हो और अंदर से ही हम तार तार खून की नसों से जाके वहाँ पर क्लॉट के अंदर छल्ला लगाना चाहें, तो उसके लिए फ्लोरोस्कोपी यूज़ होती है, उसके लिए यही टेक्निक यूज़ होती है, उसको कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, यानी इंटरवेंशन हो रहा है वहाँ पर, कोई प्रोसीजर हो रहा है, रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, इसमें कैथेटर्स, वायर्स, अलग अलग स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रूमेंट टूल्स डाले जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, चाहे खून की नसों में, वेन्स में, या बॉडी के कैविटीज में, और इन सारे मॉडलिटीज से, अल्ट्रासाउंड से, MRI से, फ्लोरोस्कोपी से देखा जाता है कि कहाँ जा रही चीज़, उसके गाइडेड, उससे गाइड करके प्रोसीजर होता है। कैंसर हो, कैंसर की बायोप्सी लेना हो, छाती में पानी हो उसकी उसकी बायोप्सी, पेट में पानी हो सही जगह से लेना हो, है ना, तो ये सब इससे गाइड करके सही तरीके से लेंगे तो सेफ्टी भी रहती है और ये भी अश्योर रहता है कि भाई गलत कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इसी तरीके के प्रोसीजर्स हैं आपके, छल्ला लगाना हमने एग्जांपल दिया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट, एम्बोलाइजेशन होता है जहाँ पे भी अगर ब्लीडिंग हो, तो मान लीजिए आजकल तो एम्बोलाइजेशन प्रोस्टेट सर्जरीज में, प्रोस्टेट कैंसर्स में, कई सारे कैंसर्स में होता है कि कैंसर को जाने वाली खून की नस बंद कर दो, कैंसर के पास खून ही नहीं जाएगा तो कैंसर ग्रो नहीं होगा, शाबाश, बहुत जोरदार टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। फिर कैंसर ट्रीटमेंट में तो होता ही है, ट्यूमर एब्लेशन में भी होता है, ट्यूमर के अंदर कोई चीज डाल दो, नीडल बायोप्सी कर लो, राइट, ऐसे कई ऑपरेशन इससे होते हैं। सो यही चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है रेडियोलॉजी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक इमेजिंग में, राइट, और आपको कब कब इस्तेमाल करना है, जब भी हमें देखना हो अंदर का क्या है, चाहे एक्सरे देखना हो, मोटी मोटी बात, एक्सरे में हमें दिखाई देता है आपके बोन्स, सीटी स्कैन हजारों एक्सरे एक साथ, 100-200 एक्सरे एक साथ खींचे हुए, एक के बाद एक लगाए हुए हैं, वो आपके एक्सियल एक्सरे घटाघट खींच के उसको हम इसमें खड़ा कर सकते हैं, 3D पिक्चर बना सकते हैं, उसकी 3D पिक्चर बना के देख सकते हैं कि हाँ वो ऑर्गन एक्चुअली में कितना बड़ा, कैसा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर घुमा के, तो सीटी स्कैन एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है, उसमें कंट्रास्ट डाल के और अच्छे से उसके अंदर देखा जा सकता है उन चीज़ों को, कभी इंटेस्टाइन को, कभी वहाँ लिम्फ नोड को, कभी कोई चीज़ को। अल्ट्रासाउंड एक बहुत सेफ टेक्निक है जिसमें कोई भी चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ की क्लियरिटी अलग है। अल्ट्रासाउंड की एक क्लियरिटी है कि गैस आ गई बीच में तो दिखेगा नहीं, फैट ज़्यादा है तो अच्छे से दिखेगा नहीं, सीटी स्कैन उससे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। फ्लोरोस्कोपी और अगर हम सीटी स्कैन की बात करें या एमआरआई की बात करें, तो एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा बेहतर दिखता है, जैसे हड्डियों के बीच में, रिब्स के बीच में जो डिस्क होती है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है ना रीढ़ की हड्डी के बीच में, तो रीढ़ की हड्डी देखनी है तो हड्डियाँ देखनी है तो सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा है, और हड्डी के बीच में जो लिगामेंट है, जो डिस्क है, जो सॉफ्ट टिश्यू देखना है तो एमआरआई बहुत अच्छा है। नस दबरी की नहीं दबरी एमआरआई में दिखेगा, राइट, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है एमआरआई में दिखेगा, सॉफ्ट टिश्यू है, हार्ड टिश्यू क्या है, बोन्स, बोन्स देखनी है सीटी में दिखेगा ज़्यादा अच्छा, ऐसा नहीं कि वहाँ दिखेगा नहीं, वहाँ भी दिखेगा लेकिन कम अच्छा दिखेगा। सो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो सीटी, एमआरआई और पेट स्कैन में दिखेगा कैंसर कहाँ कहाँ फैल रहा है। पेट स्कैन में एक दवाई दी जाती है, रेडियो, एक टैग्ड रेडियो आइसोटोप दिया जाता है जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं वो कहाँ कहाँ गया, कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन में गया, राइट, तो ऐसी चीज़ें करके टेस्ट किए जा सकते हैं कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ ट्यूमर है, कहाँ कहाँ क्या है, तो बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं दुनिया भर में, बेसिक है एक्सरे, राइट। सो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियोलॉजी, एक्सरेज एंड MRI सीटी स्कैन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, राइट, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम, राइट, ओके।